हेलो दोस्तों, मैं अरविंद। आज हम लोग पढ़ेंगे सुपर टेट और रिपीटेट का जो सिलेबस मिलाकर मैं पढ़ा रहा था उसमें सेट, अगला सेट पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं एलसीएम, एससीएफ और जो परसेंटेज का सेट पढ़ा चुका हूँ, यदि उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। चलिए तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि राम अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या होगी। अब पूछ रहा है कि बताइए कि महीने में कितने रुपए कमाता है जब इतना इतना खर्च करता है। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन बताया था, वहाँ पर भी शेष लगा हुआ था बट वहाँ पर परसेंटेज नहीं था, क्या था, बटा वाला। जैसे बताया था कि एक व्यक्ति कोई है जो पत्नी को इतना दे देता है, पुत्र को इतना दे देता है, तो उसकी टोटल आय कितनी है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको कंसेप्ट के अनुसार बताने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिए। देखिए लिख देंगे सोल्व। मान लेते हैं राम अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, तो इसको मान लेते हैं क्या, 20% को यम मान लेते हैं। क्या मानते हैं, यम मानते हैं। चलिए इसको यन मान लेते हैं और इसको क्या मानते हैं, पी मानते हैं। और क्या है, टोटल राशि है ना 5400, इसको एक्स मान लेते हैं। क्लियर है। देखिए हमारा जो फार्मूला निकल के आएगा, जो कंसेप्ट निकल के आएगा क्या होगा, लिख देंगे मासिक आय बराबर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, टोटल 100 रहेगा और 100 में से कितना दिया है, कितना भोजन पर खर्च किया है, चूंकि 20 को माने हैं हम, तो इसमें से घटा दीजिएगा। क्लियर है। आइए आगे नेक्स्ट पार्ट में देखिए, 100 रहेगा टोटल और कितना खर्च किया है, 25 को यन माने हैं, अर्थात हो जाएगा 100 - यन। यहाँ तक सही है। अब ध्यान दीजिए अगला पार्ट में कह रहा है 100 मानेंगे क्योंकि यातायात पर 10% को माने हैं पी, तो हो जाएगा 100 - पी। अब गुड़े ध्यान दीजिएगा, अंत में कितना बचा है 5400 रुपये, तो इसको क्या माने, एक्स माने हैं। अब ये देखिए हमारा निकल के आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ट्रिक कर सकते हैं, कंसेप्ट कर सकते हैं, फार्मूला कर सकते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अब मासिक आय निकालना है हमको, चलिए रख देते हैं, एम की जगह पर 20 रख देंगे, एन की जगह पर 25 रख देंगे और पी की जगह पर कितना रख देंगे, 10 रख देंगे, एक्स की जगह पर 5400 रुपये रख देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, चलिए यहाँ से हो जाएगा 100 - 100 एम की जगह पर कितना, 20%, यानी कि 20 हो जाएगा गुणे। अब ध्यान दीजिएगा 100 - हो जाएगा 100 - कितना, 25 हो जाएगा गुणे 100 - 100 - 10 हो जाएगा गुणे एक्स की जगह पर 5400। क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए अब इसको काटते पीटते हैं क्या आ रहा है हमारा, 100 तो रहेगा ऊपर, 80 हो जाएगा, 100 रहेगा 75 - 100 रहेगा 90 - 5400। सही आता है। ध्यान दीजिएगा, 10 से 1 खत्म, इससे ये खत्म, यहाँ तक सही है। देखिए 25 - 4 = 100, 25 - 3 = 75, 4 × 8, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 है, ये 9 है, 9 × 3 = 27 होता है, 27 × 54, चलिए 54 हो जाएगा, 27 × 2 यानी कि 200, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 2 से काट देते हैं इसको, यानी बचेगा 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, गुणा कर देंगे यानी कि 1 + 4 = 0, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, मासिक आय बराबर। क्लियर है, फिर से समझ लीजिए। देखिए
इस ट्रिक का प्रयोग कब करेंगे? जब सवाल में लिखा हो शेष का, यहाँ पर देख रहे हैं अप्रतिशत दिया हो। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक और सवाल बताए थे इससे पहले, वहाँ पर प्रतिशत नहीं देगा लेकिन लिखेगा शेष का, पत्नी को इतना शेष भाग, पुत्र को शेष भाग, ऐसे करके। तो वहाँ पर कौन से प्रयोग करेंगे? यहाँ पर ए वाला, जहाँ परसेंटेज लगा देगा और शेष का करेंगे, इस पर रखेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या कह रहा है कि 50,000 है तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 20% की वृद्धि हुई। कह रहा है कि 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या वर्तमान में 50,000 है, कह रहा है कि इसमें 3 लगातार वर्षों में कह रहा है कि क्रमशः वृद्धि हुई है 5%, 10% और 20% की। तो कह रहा है कि 3 साल के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, लिख देंगे 3 वर्षों के बाद जनसंख्या बराबर, लिख दे रहे हैं सोल्व। 3 वर्षों के बाद जनसंख्या बराबर, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि इसकी पहले की संख्या, मतलब मानना क्या है, तो दिया है 50,000 पहले की जनसंख्या, यहां पर लिखेंगे पूर्व की जनसंख्या। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि जो 5% की वृद्धि है उसको यम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं। चलिए इसको यम मानते हैं 5% वाले को, इसको एन मानते हैं, इसको पी मानते हैं, क्लियर है? अब देखिएगा, जब इतना कर लेंगे तो देखिए आप फार्मूला पढ़े होंगे, ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं दर बटा में 100 होता है, ये पता होता है टी होता है, समय होता है, ये ना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, सेम इसमें इसी फार्मूला का प्रयोग होगा, सेम यही फार्मूला, समझिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं, यदि ये वाला याद है ना तो ये इसमें फिट बैठेगा। ध्यान से देखिए, अब मान लीजिए जो ए दिया है, ए का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज वाला मिश्रण होता है, वहाँ पर हम लिख दिए 3 वर्षों के बाद की जनसंख्या, जो पी दिया वहाँ पर लिखे हैं पूर्व की जनसंख्या। अब कोष्टक बनाइएगा, 1 की जगह पर 1 लिखिएगा, प्लस पहले परसेंट कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 5% को यम माने हैं, बटा में 100 लिखिएगा। अच्छा, कि टी का मतलब एक वर्ष दिया, पहले वर्ष में तो एक रखेंगे तो कोई उसका मतलब नहीं है। नेक्स्ट वाला आइए, 1 हो जाएगा प्लस इसको क्या माने हैं, यन माने हैं, बटा में 100 लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, 1 प्लस हो जाएगा पी बटा में 100। देखिए पहले साल में यम परसेंट, दूसरे साल में एन परसेंट और तीसरे साल में पी परसेंट की वृद्धि हुई है, क्लियर है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, तो ए बराबर पी होता है, वही फॉर्मूला है, हम समझा दिए कैसे लिखना है। अब रख दीजिए सबका मान, चलिए रखते हैं, पूर्व की जनसंख्या कितनी है 54,50,000, सही है? चलिए 1 लिखिएगा प्लस यम की जब पक्का परसेंट की वृद्धि 5% की वृद्धि हुई है, यहाँ पर 1 लिखिएगा 10% की वृद्धि हुई है, चलिए यहाँ पर 1 लिखिए प्लस 20% की वृद्धि हुई है, सही है? अब ध्यान दीजिए, हो जाएगा 50,000। चलिए काम करते हैं, इसको इससे 5 से काट देते हैं, 5 × 10 यानी कि 20 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो एक जुट जाएगा, यानी कि 21/20, क्लियर है? चलिए अगला, इसको 10 से काट देते हैं, 10 से कम 10 = 11 हो जाएगा, 11/10। चलिए इसको काट देते हैं तो 20×25 100 हो जाएगा, 5×6 हो जाएगा 6/5। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए 1, 2, 2 0 से 2 खत्म, सही है? अब ध्यान दीजिए, 2 + 3 = 6 होगा, 3 बचेगा,
अब यहाँ पर 11 बचा है, 21 बचा है, यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर क्या है 5 बचा है, तो 5 से इसको काट देते हैं, तो काटिएगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा, ये तो बचेगा। अब ध्यान दीजिए क्या क्या बचा उसको लिख लीजिए, 100 गुणे 21 गुणे 11 33 कर देते हैं, है ना बचा है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणे, अब 21 में गुणा करना है किसका, 33 का। गुणा करने का फर्स्ट तरीका हमने बता रखा है, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा यहीं पर हम बता ही दे रहे हैं। अब गुणा करना है 33 में 21 का, देखिए गुणा कैसे करेंगे, इसका इसमें गुणा करिएगा 3 होगा, क्लियर है, इसका इसमें गुणा करिएगा 3 कम 3, इसका इसमें 3 दुना के 6, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा किए सीधा, 3 कम 3 हुआ, इसका इसमें गुणा किए हैं 3 कम 3, इसका इसमें 3 दुना के 6 9 हुआ, इसका इसमें गुणा कर दीजिए 3 दुना के 6 700 कितना 93। चलिए गुणा करिएगा तो हो जाएगा 6900, ये क्या होगा आंसर होगा। मतलब 3 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी कितनी, कह रहा है कि 69300, कितना 69300, क्लियर है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।